तो गाइज आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखो ज़्यादा ही अच्छा मौसम हो रहा है आज। सो आज मौसम बहुत ज़्यादा ही सनी है। आज टेम्परेचर लगभग दिखा रहा था 26-27, पर देखते हैं। आज का वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली HDR में शूट करूँगा। देख आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है HDR में शूटेड वीडियो। बाकी मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आज का बहुत ज़्यादा सनी है, इसलिए पूरा हाफ टी शर्ट हाफ टी शर्ट पहन के निकले। फूड बेसिक पहुँचते हैं और फिर आपको बताता हूँ फूड बेसिक्स का एक्सपीरियंस कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा क्या है। दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे चिकन वगैरह सब सस्ता है, पर वो बनाने की मेहनत मैंने अब तक यहाँ पे करी नहीं है। बट देखते हैं, जाके आपको बताता हूँ कैसा है फूड बेसिक्स। सही सही एक बात बताऊं तो मुझे इंडिया का मौसम से ज़्यादा यहाँ का जो मौसम है वो ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइमरीली क्योंकि यहाँ के मौसम में ना हवाएं बहुत चलती है और धूप भी होती है। यहाँ पे बस एक चीज़ है कि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत कम है, मतलब कि हवा बहुत साफ़ है। तो इससे क्या है कि जो धूप है वो आपको सीधा आके लगती है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको धूप ज़्यादा लगे। बट उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम रहता है और पूरे टाइम ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है, और ठंड में तो बहुत ठंडा हो जाता है। बट स्प्रिंग में ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि धूप वगैरह कुछ चुभती नहीं है एंड इन जनरल मौसम बहुत ही प्यारा होता है यहाँ पे। सबसे पहले लिए हमने एक गोभी, और एक गोभी कॉस्ट करी 198। आगे क्या लेना है? स्ट्रॉबेरी दिखा, शेक वन आगे पियेंगे। कितने की है स्ट्रॉबेरी? नीचे लिखा है ना 167 की स्ट्रॉबेरी। अगर आप लोग ज़्यादा सैलेड वैलेड खाते हो ना तो ये वाला मिक्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं मुझे दूसरी जगह पे। ये दिस वीक ओनली ये लोग 298 का दे रहे हैं, नहीं तो ये $5-6 से कम का होता नहीं है। तो ये भी अच्छा है, आप लोगों को अगर चाहिए ज़रूरत रहती है तो आप ये वाला ले सकते। कीवी वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे। इंडिया में कीवी वैसे अच्छी लगती है, यहाँ पर अब तक खाई नहीं इतनी, पर कीवी वगैरह पी है यहाँ पे। अच्छा है, रेट थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। टमाटर यहाँ पे 198 के हैं, अच्छे टमाटर हैं, ये भी बढ़िया है। बस 5-10, हाँ इतने भी बहुत हैं। ये एवोकाडो है ना, आज तक प्रॉपरली मैंने एवोकाडो खाए नहीं है, तो मुझे खाने का है। ये बहुत सारे हैं वैसे, अच्छा लगता है। ऐसा क्या? मैंगो, अच्छा ये कौन से मैंगो दे रहे हो भाई? ये उतने अच्छे तो लग नहीं रहे मुझे, पता नहीं क्यों। नारियल भी इतने छोटे छोटे, इंडिया में इतने बड़े बड़े मिलते थे। ये दूसरे टाइप के नारियल हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, अभी नारियल का इतना वो नहीं है। मस्कमेलन में खा लिया था मैंने लास्ट टाइम, और पाइन एप्पल में मेहनत ज़्यादा है, सस्ता ज़रूर है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। ओहो, ये बेकरी वाला सेक्शन बढ़िया बढ़िया। चोको चिप कुकीज़ फॉर $6। अरे ये तो खाते हैं अपन लोग फुल्लानी, यही मैं लाने का सोच रहा था हमारे कॉलेज के पास वाले से। सही दे रहे हैं, मैं सस्ता दे रहे हैं। वहाँ पे $5.50 का था। ये कौन सा है? पारमेजन गार्लिक ब्रेड, ये भी सेम है, ले लेना। आप लोगों का भी मन करता तो खा लेते ना। नहीं इसको रख दे। ये क्या है? ये है ब्रेड, नहीं ये नहीं यार,
ये वाली ले लेते हैं ना, बढ़िया एक बार ट्राई करते हैं। डेट देख ले बस एक्सपायरी की। चिप्स की वैरायटी है लिमिटेड टाइम के लिए, डोरिटोस केचप वाले। चार डॉलर बहुत ज़्यादा है। टॉटिया ये सब महंगा है, ये सब वॉलमार्ट में सस्ता मिलता है। क्या भैया सजा के रखा है बड़ा। देख लो भाई नॉन वेज वाला कोई है तो देख लो, बराबर खा लो, उनके लिए ग्रेट डील थी, ग्रेट डील थे यहाँ पे। ये देखो भाई वॉलनट्स, प्रॉपर वॉलनट्स, तोड़ना खुद ही पड़ेगा ये ज़रूर है। तो वॉलनट्स ही मिल रहे हैं यहाँ पे। आप लोग खाना वाना बनाते हो तो यहाँ पे ये जिंजर एल बहुत अच्छा होता है, ये ले लोगे तो आपको काफ़ी मदद होगी खाने में, काम काफ़ी बचा देता है ये तो, ये इसलिए एक अच्छा। एक हमने ले लिया ये भी जिंजर एल, ये भी अच्छा है, जिंजर मिंच्ड और जिंजर एल प्योर, ऐसे इसमें वैरायटीज अलग अलग आ रही हैं। ये टर्मरिक की भी है, हल्दी का भी है, ये बढ़िया है। और गाइस यहाँ पे लूज मिर्चें भी हैं, अगर आप अपने साथ ऐसे ट्रॉली लेके आते हो तो आप लोग इन मिर्चों को थोड़ा सा उठा के ऐसे ही भर लेना तो इंडिया जैसे सस्ती हो जाएगी, बाकी नहीं तो पैसे दे दो इसके $4 लगेंगे यहाँ पे। $4 में या तो ये ले लो या तो मुट्ठी भर के ऐसे डाल लो, कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। और जो लोग बीफ खाते हैं उनके लिए बढ़िया बीफ, ये क्या है, हुक्ड ऑन फ्रेश फिश, यहाँ पे पोर्क चिकन विकन सब बढ़िया। यार $14-15 के केक दे रहे हैं। कैरेट केक कौन सा है ये? ये बहुत महंगा है, $5 इतना। कैरेट केक सुना है, कैरेट केक बहुत टेस्टी होता है। क्या होता भैया कैरेट केक में? लेट मी सी। ठीक है यार लेकिन $14 लायक तो हाँ कोई भी केक नहीं है यार $14 लायक तो, सिवाय बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम केक, वो तो $30-50 में भी वर्थ इट है। ये वाले कॉर्नफ्लेक्स हम खाते हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स यहाँ पे कितने का मिल रहा है, फ्रॉस्टेड फ्लेक्स 349 ना, हम $9 के 3 लेके आए थे वॉलमार्ट से, तो ये अच्छे लगते हैं यहाँ पे। फ्रूट टूब्स आर गुड एज वेल, वी हैव लकी चार्म्स। नो यार ओरियो बहुत सस्ते हैं मजाक से हटके, डबल स्टफ्ड ओरियो $2 में बस। यार कभी मन करे कुछ खाने पीने का तो ओरियो रहे तो ठीक है, ग्लूटेन फ्री ओरियो ये भी ठीक है। यार पहली आइल से आ गए हैं दूसरी आइल में, यहाँ पे पीने वीने का सौदा है, गेटोरेड वेटोरेड पीना है, किसी को शौक है तो पी सकता है। चॉकलेट यार बहुत सारी, ये यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग ये लेके जाते हैं जो कनाडा से इंडिया जाते हैं, ये वाली बहुत लेके जाते हैं। डेयरी मिल्क कितने की ये बताओ ज़रा, $2-4 की डेयरी मिल्क है ये वाली, ये भी ठीक है। ओए रेड लेबल बस यही है, कल तो बहुत सारे बैग्स हैं, बहुत टाइम चल गया। बैग्स हैं कितने? हाँ, बैग्स हैं 216। दो महीना चल जाएगा, दो तीन महीना ले 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 यार, कितने का है $8 ना। हाँ ठीक है यार, चाय तो पियेंगे यार, दो महीने हो गए चाय नहीं पड़ी इंडिया से, अब चाय तो पी लेंगे कम से कम। कोई गल ना जी, चाय तो पियेंगे इसी बहाने। अगर आप लोग के घर में जैसे हमारे यहाँ पे बड़ा डस्टबिन है तो उसमें हमें ये वाले लगते हैं, प्लस हम छोटे वाले भी लेके जाते हैं, तो ये वाले बैग्स आप भी रख लेना अपने पर्सनल रूम में, कचरे के लिए भी ये सब ज़रूरी होते हैं। सबसे बड़ों के लिए ये होता है, ये मीडियम वाला है। तो अब हम बराबर आ गए हैं ये ब्यूटी वाले सेक्शन में, ब्यूटी वाले सेक्शन में। देखो ओल्ड स्पाइस के यहाँ पे पाउडर, मेरे को तो अब तक एक भी ढंग का पाउडर नहीं मिला। ट्रेसे में सिल्की स्मूथ, बिल्की स्मूथ, यहाँ पे डैंड्रफ वाला आप लोग ये लेना तो आपका सब सेट है। एंटी डैंड्रफ या एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करना तो आप लोगों का बाल सही रहेंगे। लड़कियों को अपना अपना बात मालूम रहता है, मैं तो लड़कों का बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मॉइस्चर के लिए ये वाला ले सकते हो, एक बार का खर्चा है थोड़ा सा, $6 का, बाकी आपका बढ़िया चल जाएगा। पाउडर अब तक मिला नहीं, तो एक ही पाउडर यहाँ पे मिलता है, वो है जॉनसन्स बेबी पाउडर। उसके अलावा यहाँ पे इन जनरल आपको अपनी बॉडी के लिए कोई पाउडर चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, जॉनसन्स बेबी पाउडर। बाहर मौसम अभी यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है। अरे समोसा है, मेरे को पढ़ना आता रहेगा ना। कितने का है? $2 का है, फ्रोजन स्नैक कोई भी। Please give it to me. या, ले लो भाई 20 समोसे।
हो गया, चलो सेट। और गाइस पार्ले जी सेकंड टाइम पार्ले जी भी मिलता है यहाँ पे। कितने का है 89 सेंट्स का पार्ले जी। ये क्या है? चावल तो हम छोटे छोटे ले आते हैं 1 किलो के, वही अच्छे रहते हैं। आप एक ब्रांड का ट्राई करो चावल, पसंद आए तो वो ले आओ, नहीं तो दूसरे पे स्विच करो। एक साथ 10 किलो का ले आओगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। दाल तड़का यार दिव्या, अच्छा कौन सी ब्रांड है यार दिव्या? इंडियन मील यार, बढ़िया यार, $3 में 2 बार दाल बन जाएगी। दाल क्या, मटर पनीर बनाओ। लो देखो, 2 मिनट्स माइक्रोवेव इन पाउच, बन गई मटर पनीर। बाबा घी, बाबा देसी घी, देसी बटर घी, मैंने कभी देखा नहीं यार, मेरे को पता नहीं। अबे ब्रार का बहुत लेते हैं यार, ब्रार का बहुत लेते हैं। चल यार कोई नहीं, ये भी अपने उसमें फिट आ ही जाएगा। अब से तेल की जगह थोड़ा घी यूज़ कर लिया करें कहीं कहीं। 5.5 सोन केक क्या है? अरे हल्दीराम की, बस सेट। सोन पापड़ी केक दे रखे हैं उन्होंने। हाँ। वो इंडिया ऐसे नहीं है चकली चकली। वो चाहिए तो वो मैं फिर वॉलमार्ट से ला के दूंगी, कल जाऊंगी तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी जो दिख गया बस ले लो। 99 सेंट्स में $1 में गुड्डे लेना है तो ले लो। ये 10 रुपये का मिलता है, यहाँ पे 60 रुपये का मिलता है, कोई बात नहीं। प्राइस देनी पड़ती है अगर घर से दूर आए हो। चना से भी अच्छा एक यहाँ पे कोई दिव्या ब्रांड है तो ये $2.5 का देते हैं ना। दिव्या का लच्छा पराठा वैसे $2.5 का है, बट लच्छा वाला कौन सा है? ये वाला ना, ये वाला। हाँ दिव्या वाला लच्छा इस पर ओनली फॉर $2। तो ये क्या है? वाउजा कुरकुरे 149 के। यार कुछ ज़्यादा नहीं लूटते ये लोग, बेशरम। उठा लेते चल, $4.5 की है ना बस। भैया भैया बर्फ जमी रखी है, वो बर्फ जम रखी है, बर्फ। प्रीमाइसिस तो देख लो इतनी बड़ी है, फूड बेसिक्स बहुत बड़ा है। टेस्टी टेस्टर्स। और गाइज अब यहाँ से मैगी भी ले रहे हैं, $1 की 3 है ना, तो 6 ले ले। $1 की 3 मैगी, 6 ले ली बराबर, बस सस्ती है यार, सस्ती है। फेंटा यहाँ पे कोक वोक जीरो वीरो से तो बहुत अच्छी लगती है। फेंटा उठा लेते ना एक, एक ही तो बॉटल क्या है ना छोटा सा फेंटा का, कभी जरूरत लगी। अरे चल ना उठा ले। तो गाइज फाइनली निकल गए फूड बेसिक से और टोटल खर्चा हुआ $39 जितना भी सामान मैंने बताया था उसका। सुन इधर वापस चल, थंबनेल खींचनी, आ जा। और गाइज आपका कभी खाने का मन हो पिज्ज़ा विज्ज़ा तो यह पिज्ज़ा पिज्ज़ा ही आना, मुझे तो सबसे बढ़िया लगता है पिज्ज़ा पिज्ज़ा का। ना बेनिफिट ये है कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा के अंदर आप लोगों को $24 के अंदर 2 बड़े पिज्ज़ा मिल जाएंगे, लार्ज या मीडियम पिज्ज़ाज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं 2 बड़े पिज्ज़ाज। एंड उन पिज़्ज़ाज के अलावा आपको 4 आपकी पसंद की कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी और 3 टॉपिंग्स मिलेंगी। और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे बढ़िया पिज़्ज़ा मुझे यही लगता है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा का। तो गाइज अब हम जा रहे हैं टिम्स, टिम हॉर्टन से। मैं तो उनका स्ट्रॉबेरी वाला लेमिनेट पीऊँगा। तो गाइज अब शर्त लगी है कि अगर स्ट्रॉबेरी लेमिनेट मेनू में निकला तो वो पूरा बिल ये पे करेगी, पूरा बिल ये पे करेगी। चलो हो गया, चलो सेट, चलो लेट्स गो। आज फ्री में कुछ कुछ लेते हैं, चलो बंद है ना, चलो वेरी नाइस। चलो और कुछ, मॉल बंद है तो टिम्स भी बंद होगा ना गाइज, कॉमन सेंस तो है ही नहीं गाइज। चलो ओके अंदर। एनीवेज I give it up to you, I do it